नमस्कार, मैं सुहाली जैन, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। इंडिया टेलीकॉम्युनिकेशन सर्विस एयरटेल देश भर में अपनी वाईफाई सेवाओं का विस्तार कर रहा है। जब भी अपनी सर्विस किसी भी लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती है तो ये आपको कई सारे प्लान्स बताते हैं, कई सारी डिटेल्स देते हैं और अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आपको ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब हम इनकी कंप्लेन करने जाते हैं तो क्या होता है? हम वीएनएम न्यूज चैनल से हैं और हमने भी इनकी सर्विस ली थी। हमने जब सर्विस ली थी तो हमें इसका एक अभी जो हाल ही में प्लान आया है एयरटेल ब्लैक प्लान, उसके बारे में बताया गया और हमने आंख बंद करके इन पर भरोसा कर लिया और इनकी जो सर्विस थी उसे ले लिया। लेकिन जो इसका प्लान था उसके हिसाब से ये सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं हो रही थी। स्पीड जो थी वही पुरानी वाली थी, लेकिन इसके जो चार्जेस थे वो इसका जो नया वाला चार्जेस था वो लिया जा रहा था। और इसकी कंप्लेन हमने कई बार दर्ज कराई ये सर्विस सेंटर आके, और इन्होंने हमसे बोला कि आप कस्टमर केयर के पास जाए। जब हमने कस्टमर केयर को कॉल करके अपनी जो कंप्लेन है उसे दर्ज कराई तो उन्होंने कहा कि आज आपके पास हमारा जो मैन है, जो हेल्पिंग हैंड है, वो आएगा। और फिर जब हमने फिर से उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कल का वादा किया, और ऐसे ही ऐसे करते 1.5 महीने बीत गए जो ये ब्लैक एयरटेल ब्लैक प्लान सर्विस थी और प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। तो आपने उसकी जो कंप्लेन है वो कहाँ कहाँ की, और ये सर्विस के बारे में सबसे पहले बताइए। देखिए, ये सर्विस में ऐसा है कि जब हम सर्विस लेने आते हैं तो हमको ऐसा बताया जाता है कि ये सर्विस अगर एयरटेल ब्लैक कनेक्शन आप लेते हैं तो उसकी सर्विस हम आपको 4 घंटे में प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी दिक्कत आता है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊं, 13 तारीख की मेरी कंप्लेन है, आज 1 हफ्ता हो गया है। ठीक है, सिर्फ मुझे वादे पे वादे किए जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, हर एंड से मैंने कोशिश की, उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ये बात को 1.5 महीना हो गया है। हमारा प्लान जो था वो पहले 200 Mbps का था, फिर ठीक हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसको अपग्रेड करवाया। बोले आप अपग्रेड कराओ, उसमें बेनिफिट ज़्यादा है, तो हमने उनकी बात मान के हमको अपग्रेड कराया। हमने वो प्लान 1 Gbps का रखा है। ठीक है, उसका रेंटल कहीं ना कहीं 6,000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, हमारा पैसा कट जो हो रहा है वो 6,000 के आसपास जा ही रहा है। हमने 2 महीने से बिल भी पे किया। ठीक है, लेकिन स्पीड जो हमारी है वो पुराने की पुराने ही चल रही है, कोई सर्विस नहीं दी जा रही है। और ये कंप्लेन एवरीडे मैं करता हूँ, एवरीडे कस्टमर केयर में बात करता हूँ। कस्टमर केयर वाले भी मुझे बोलते हैं सर 24 आवर्स हमें दीजिए, हम उसका रिजोल्यूशन दे देंगे। हमने उनकी बात मानी, हमने देखा कि सही है, चलो उनकी भी बात मान लेते हैं। लगातार 1 हफ्ते तक मैं उनकी बात मानते गया, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। कल मुझे स्टोर मैनेजर ने मुझे बताया कि 10 बजे तक हमारा वहां से टेक्नीशियन आपके वहां आ जाएगा। हमने वो भी वेट किया, आज आप देखते हो अभी करेंगे, मैं 3:30 बजे आया, 10 बजे का बजे, यानी सिर्फ वादे पे वादे ही करते हैं। जनता को यही बोलते हैं कि हम अच्छी सर्विस देंगे, सर्विस के नाम पे 0 है, कुछ भी नहीं। और मैं मानता हूँ अगर हम अगर ये मीडिया हाउस को अगर ये लोग टैकल नहीं कर पा रहे, हमको अगर सर्विस नहीं, तो आम जनता की तो आप कैसे वो सुनेंगे, सुनने ही नहीं वाले हैं। और यहाँ तक आप समझिए कि मैं पिछले 1.5 महीने से पीछे पड़ा हूँ, और लगातार लास्ट हफ्ते से तो एवरीडे मैं कस्टमर केयर में कॉल करता हूँ। मेरे पास भी कस्टमर केयर पूरी रिकॉर्डिंग है, वो बोलते सर हम मेल करते हैं, एक्सीलेट करते हैं आपकी कंप्लेंट को और तुरंत आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। एवरीडे वही होता है कि आप कॉल करो, और सामने से हमें ही कॉल करना पड़ता है कि सर हमारी कंप्लेंट का क्या हुआ, लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आता है, ना ही कोई टेक्नीशियन विजिट करने आता है, नथिंग। आज लास्ट में हम आज स्टोर पर आए इसीलिए आए कि हम जाने कि अभी क्या करें, पैसे हमारे जा रहे हैं पूरे, सर्विस हमको बिल्कुल नहीं मिल रही है, सर्विस के नाम पे 0 ही है। तो हम कोशिश करेंगे, उनको बोल कर थक गए हैं। सर आपने मुझे ऐसा बोला था कल के, सर हमारे यहाँ से आप विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, सुबह में 10 बजे हमारा जो भी टेक्नीशियन आपसे यहाँ विजिट कर जाएगा। सर मैंने वेट किया आपका 10 बजे की जगह, सर आप अभी देख सकते हैं कितना टाइम हो गया, एक भी सिंगल पर्सन का कॉल भी नहीं आया सर। ठीक है, ना ही किसी ने कोई कॉल किया, ना ही कोई विजिट करने आया, और मैं लगातार लास्ट 3 दिन से मैं विजिट कर रहा हूँ यहाँ पर। पता है मुझे, मैं उसके लिए मैंने कल आपके सामने ये बात की थी ना, मुझे सॉल्यूशन चाहिए सर, मैं तो मानता हूँ। एक ही मिनट, मैं इसके लिए आपको बात करवा रहा हूँ मैं। हेलो, आई एम रियली सॉरी मैडम, आपके वहाँ मैं अभी आपके चकली सर्कल स्टोर पे खड़ा हूँ, मुझे 2-3 दिन पहले ऐसा बोला गया था, आपको इसके लिए मेल करना रहेगा या तो आपको इसके लिए कस्टमर केयर में 1-to-1 पे ही बात करनी पड़ेगी। मैडम कोई सुनता नहीं है, सेल करने के लिए ही सिर्फ स्टोर है, स्टोर का काम सेल करना है मैडम, कनेक्शन सेल करते हैं, सर्विस नहीं देते हैं मैडम वो। अभी आप ऐसा तो आपके स्टोर से बात कर लीजिए मैडम। जो अमित है, SM है, उसने आपकी कंप्लेन रेज की थी, हमें तो नहीं कि नहीं की थी। मैडम मैं मानता हूँ, आप मुझे बताइए कि कस्टमर को सॉल्यूशन देने का मैक्सिमम टाइम क्या है आपका मैडम?
नहीं, जैसे वीरल ने बोला 8 आवर्स में नॉर्मली हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है मैडम, हमने बैकएंड टीम को बोला है कि ठीक करने के लिए। ठीक है मैडम, हाँ ये थोड़ा डिलेड है हमारे, एटलीस्ट मुझे आज का दिन दीजिए सर। मैडम मैं कितने टाइम से पीछे पड़ा हूँ मैडम, अभी आप जब बोल रहे हैं 2 दिन दीजिए। आपका हम कर देंगे जो आप वेवर की बात करें। मैडम सॉल्यूशन के साथ मेरा पैसा भी है मैडम, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ मेरा पैसा भी फंसा हुआ है मैडम, मैं पे तो कर ही रहा हूँ। ठीक है सर्विस मुझे नहीं दे रहे तो उसके लिए भी आप बात कीजिए मैडम मुझे। ठीक है आप मुझे कॉल बैक कीजिए। मैडम आज का टाइम मुझे दीजिए, आज कितने बजे तक आप दे पाओगे मैडम? पहली बात तो मैडम मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्यों? मैं एक हफ्ते से यही चीज सुनता आया हूँ हर किसी के मुंह से कि भाई आप टाइम दीजिए टाइम दीजिए। मैडम मैंने टाइम दिया है, मेरी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। 7 बजे तक का टाइम दीजिए मुझे। मैं वही बोल रहा हूँ मैडम कि 7 बजे के बाद अगर कोई अगर सामने से कॉल नहीं आता तो आप वो मुझे बताए, मुझे किसका कॉन्टेक्ट करना रहेगा मैडम? आप अमित से ही कॉन्टेक्ट लीजिए जो हमारा स्टोर मैनेजर है। ठीक है मैडम, अगर आप बोलते हैं मैं आज 7 बजे तक का वेट करता हूँ मैडम। ठीक है, अगर मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो आगे का जो भी हो मैं और करूंगा मैडम। ठीक है, ठीक है सर, ओके। आज के जमाने में वाईफाई के बिना शायद ही अपनी जिंदगी की कोई कल्पना कर सकता है। ऐसे में जो एयरटेल लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वहां पर कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है, क्योंकि जब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको कई सारे ऑफर्स देते हैं, लेकिन वहीं जब कंप्लेन सॉल्यूशन की बात होती है तो ये दर के बाद ये लोग कहीं ना कहीं आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं आज सॉल्यूशन होगा कल सॉल्यूशन होगा। तो यदि आप अपनी वाईफाई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप जिस भी सर्विस से ये प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सोच समझ के लीजिए। और हमने आपको बताया कि एयरटेल ये जो कंपनी है हमें कैसी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो आप भी जो इससे आप सीख ले सकते हैं और अगली बार अपनी वाईफाई सर्विस लेने से पहले 100 बार सोचें और ये क्वेश्चन उन्हें जरूर पूछें कि सर्विस तो ठीक है ऑफर्स तो ठीक है लेकिन यदि कोई कंप्लेन होती है तो उसका क्या सॉल्यूशन मिलेगा।